अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। हमने एक वीडियो की मौलाना वर्सेस साइंस, हमारे मौलाना साइंस के बारे में क्या कहते हैं। जब वो ओंगी बोंगी मारते हैं तो जाहिर बात है उनका मजाक भी बनाया जाता है और हम भी बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें हमें बड़ी सारी तनकीद का सामना करना पड़ा हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ से। आप कैसे उलमा का मजाक उड़ा सकते हो और हम कैसे, मैं उनको जवाब वहां पे तो दे नहीं पाया, क्योंकि हर एक को जवाब नहीं दिया जा सकता। तो उसके लिए कुछ ऐसा चाहिए था कि कोई ऐसी वीडियो आती तो उस पर हम जरूर बोल सकें। देखिए, हम उनकी उन बातों पर उनको जरूर ट्रोल करते हैं। एक मौलाना है, उसका काम क्या है कि वो अपने जो लोगों को है किसी अच्छे रास्ते की तरफ धकेले, उनमें सेंसिबिलिटी जो है वो उसमें आगाही, उसमें दीन की आगाही के अलावा दुनिया की भी आगाही उतनी ही डाले। लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि हमारे जो मौलाना हैं अपना एक अलग तरह का एजेंडा चलाते हैं, और उस एजेंडे के तहत जो बच्चों के जेहन साजी करने की बजाय बच्चों का जेहन खराब करने की कोशिश होती है, वो हमें उससे बिल्कुल सख्त नफरत है। चाहे वो कोई भी हो, फिर उसको उलमा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे उलमा भी हैं, पीर अजमल साहब हैं और फिर उसके साथ साकिब रजा मुस्तफाई साहब हैं। उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा अदारा है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी उनको वही फराहम की जा रही है, और ऐसे मदरसा हमने भारत में भी देखे हैं। लेकिन जहां पे वो कहें कि आपने जो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम है उसको तो छोड़ ही दें, आपके को वो काम नहीं आएगी, सिर्फ इसको ही पढ़े जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, यही जेन बनाए जो हम आपका बनाना चाह रहे हैं। सुन्नी है तो वो अहले सुन्नत वाला बना ले, बरेलवी है तो बरेलवी वाला, देवबंदी है तो देवबंदी वाला, अहले शिया है तो शिया वाला, यानी कि हर मसलक का अपने अपने। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक ये चीज, बात तो एक ही है ना, एक रब की आपने अतात करनी है और उसके आगे कुछ अहकामात है उनको मानना है और एक अच्छा इंसान बनना है। ये जो अच्छा इंसान बनना है ये कहीं ना कहीं वो मिसिंग कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज है, और खाली खुली बातों पर लगे रहते हैं। इसलिए हम उन मौलाना के खिलाफ बात करते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं और जो अपनी नफरत की वजह से, और मैं कई सारे ऐसे मौलाना को जानता हूं जो भारत से सिर्फ नफरत की वजह से गलत चीजों को भी प्रटेंड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं ताकि लोग इसको देखें और सुने। और एक मौलाना ने कह रहा है बात तो फिर ये बात सही होगी, और लोग मिंबर पर बैठकर भी झूठ बोलते हैं। ये मैंने अपने कानों से भी सुना है और अपनी आंखों से भी देखा है, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज नहीं किया जा सकता। तो जहां हमें मौका मिलता है उनको करेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उस मुद्दे को देखें, उसको समझें, और तनकीद करने से पहले ये चीज लाजमी है कि ये बात किस चीज पर हो रही है। सिर्फ इसलिए बात पर आप कहें कि जो वो मुस्लिम मौलाना है तो उन पर अगर वो गलत भी बात करेंगे तो उनकी गलत बात भी सुननी चाहिए, ये बिल्कुल ही एक गलत चीज है। चलिए मिलकर देखते हैं जी, ये मौलाना साहब आप क्या कह रहे हैं। अभी हमने इनका वीडियो नहीं देखा, देख कर ही सोचेंगे इनकी जो सोच है, जो नीयत है वो क्या है और क्या नहीं, उसी के मुताबिक ही बात करेंगे। हम कोई अपनी तरफ से चीज को घड़ेंगे नहीं। आई होप सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूम, तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ बड़ा ही मजेदार वीडियो भाई। व्हाट पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इंडिया, ये पीपल टीवी का है और ये मदरसा पहुंच गए भाई। तो चलिए भाई देखते हैं कि मदरसा में मदरसा छाप ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ज्ञान पूरा मिलेगा और आपका एंटरटेनमेंट होने वाला है बॉस, बहुत जबरदस्त, बड़ा मजा आएगा। चलिए, अच्छा कारी साहब, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमारे इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जाता है कि सिर्फ जो हमारे मदरसे हैं यहाँ पे सिर्फ जो दीनी तलीम दी जाती है और दुनियावी तलीम दी जाती है, क्या इधर मतलब बच्चों को दीनी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम भी दी जाती है कि नहीं? देखें जी, जो हमारा दीन है ना जी, ये एक जाम दीन है, तो ये दुनिया को भी चलाता है, दीन को भी चलाता है और आखिरत की फिक्र भी देता है। बिल्कुल। तो जिस चीज़ को हम दुनिया कहते हैं ना, जब हम इसको दुनिया की तालीम जिसको हम कहते हैं, अगर उसको भी हम जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे और आगे फैलाएंगे तो वो भी हमारा दीन ही बनता है, तो हमारी फिर तिजारत भी दीन बन जाती है। तो माशाल्लाह यहाँ पर मदरसों के अंदर फ़कत जिनको हम दीनी तालीम समझते हैं वो तो है ही सही, यहाँ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश पढ़ाना,
और इसके साथ जो है दूसरी जो स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाई जाती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ाई जाती है। टेक्नोलॉजी की बात है, इसका इंतज़ाम मुकम्मल तौर पे है और बाकायदा तंजीमुल मदारिस जो हमारा है उसमें बाकायदा इम्तिहान जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर भी है और मंजूर शुदा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। हमारा पूरा एक निसाब है जिसके अंदर जो है ये इंग्लिश भी होती है, रियाजी भी होती है और जिस तरह मुताला पाकिस्तान है ये भी होता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं और बाकायदा इसका इम्तिहान होता है, पर्चे होते हैं और नतायज जो है ना वो आते हैं। तो ये दीन की तालीम के साथ जिसको हमारे मुआशरे में दुनिया की तालीम कहा जाता है उसका इंतजाम ही अल्हम्दुलिल्लाह इधर है। अच्छा, और ये एक मदरसा नहीं, तंजीम के जितने ये हज़ारों मदारिस पाकिस्तान के अंदर हैं तो उन तमाम के अंदर एक ही तरीक़ाकार है। अच्छा कारी साहब, इंटरनेशनल मीडिया पर यह कहा जाता है कि सिर्फ जो यहाँ पर फ़ौरन ना मैं रहता तो सवाल पूछ लेता, तो चलिए अगर साइंस पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो बताइए ज़मीन साकिन है या घूमती है? जवाब सुनने में बड़ा मज़ा आता। जो मदरसे हैं यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के पाकिस्तान के अंदर, या वैसे बात कीजिए यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं जो कि दुनिया में जाकर दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब ये देखें कि दहशतगर्दी अगर ये फैलाते हैं तो आप ये देखें मुसलमानों के कितने मुमालिक हैं जिनको फ़कत दहशतगर्दी के नाम पर दहशतगर्दों ने ही उन पर हमले किए हैं और उनको मिटाने की कोशिश की है। इराक़ के साथ क्या हुआ है? बिल्कुल, तो अब इराक के अंदर जो है ना ये एक मुसलमान दहशतगर्द थे, ये वही अनासुर जो यहूदियत है, नसरानियत है और जो इस्लामी दुश्मन कुव्वतें ताकते हैं असल दहशतगर्द वो हैं। उन्होंने हमारे मुसलमानों पर जुल्म सितम भी किया है। अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है? ये नाम हमारा लिया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, असल दहशतगर्द वो लोग हैं। हमारा इस्लाम अमन पसंद दीन है और ये इस्लाम अमन पसंदी का दर्स देता है। हाँ, जो हमारे खिलाफ बोलेगा और हमें छेड़ेगा, हम अपना जवाब की कुव्वत भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं और हम जवाब उसे देंगे और हमारे जवाब को अगर दहशतगर्दी समझते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। असल दहशतगर्द वो है, दहशतगर्द वो होता है जो दूसरे का हक मारता है और दूसरे का हक खाता है और दूसरों पर कंट्रोल करता है नाजायज़। असल तो दहशतगर्द वो हैं और ये जिम्मे हम दीन वालों के लगाए जाते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं फैलाई जाती, ना ही यहाँ पर दहशतगर्दों को जो है ना वो पाला जाता है और इनको तैयार किया जाता है। यहाँ पर एक दीन की तालीम है और दीन दहशतगर्दी का दर्स नहीं देता, ये अमन सुकून का दर्स देता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अगर बोलूँगा ना तो आप लोगों को लगेगा कि एक तो ये काफिर हिंदू, ऊपर से इंडियन, फिर ऐसी बातें करता ही। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई हज़ारों आतंकवादी संगठन हैं मुसलमानों के, कितने आतंकवादी संगठन ईसाइयों के, कितने आतंकवादी संगठन हिंदुओं के, यहूदियों से आपका पंगा, हिंदुओं से आपका पंगा, क्रिश्चियन से आपका पंगा, अहमदियों से आपका पंगा, सिखों से आपका पंगा, पंगे तो आपके हर किसी के हैं। फिर आप कहते हैं कि जो अमन पसंद है मामला। अच्छा, मैं सवाल नहीं पूछता, मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे ये तो हमारे दीन को हिट करने लगता है ना भैया, मैं नहीं करूंगा। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, मुसलमान पत्रकार हैं, ठीक है, क्या कहती हैं वो मैं सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं, इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मजहब के लोग हैं, जो मजहब हमारा है वही इनका है। तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है, तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नजरिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मजहब भी है जो सब जानते हैं और इनका नजरिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, आप ये चीज लोग इस पर बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है, ओहो ये तो अपने आप गरीबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मजहब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मजहब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज़ हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान हैं, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें, वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो सुन लिया आपने, सवाल तो वाजिब है ना, हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है,
लेकिन 99% टेररिस्ट मुसलमान। मेरा पॉइंट समझिए, मैं सारे मुसलमान को या इस्लाम को टेररिज्म से नहीं वो कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी 99% आतंकवादी मुसलमान। क्यों? अगर पाकिस्तान के लोगों को यह बुरा लग रहा है, आप नाइजीरिया में जाकर पढ़िए वहां पर मुसलमान क्या कर रहे हैं। हजारों ईसाइयों का कत्लेआम कर चुके हैं, कत्लेआम नाइजीरिया में। उनका भी नारा वही है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। हर आतंकवादी इसी नारे का इस्तेमाल करता है। तो या तो आप कहिए कि वो हमारे साथ नहीं और पब्लिकली बायकॉट कीजिए, तब तो जाके बात बनेगी। पब्लिकली आइए बोलिए कि हम बायकॉट करते हैं, इस्लाम हमारा नहीं समझ, हम इस्लाम से निकालते हैं इनको। है किसी की हिम्मत ऐसा करने की? नहीं करेगा। माशाल्लाह हमारे साथ अलामा साहब मौजूद, हम इनसे पूछें। कारी साहब एक चीज़ बताएं कि क्या हमारे जो इस्लामिक बुक्स हैं इनके बारे में कोई हिंदुओं या हिंदुओं के बारे में या और मज़हबों के बारे में भी कोई बातें हैं कि नहीं? वो कहा जाता है कि हिंदुओं के बारे में या और मज़हबों के बारे में सिर्फ इनके मतलब जो है नफरत अंगेज़ मैसेज ही बच्चों को दिया जाता है, क्या ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं? अब देखें, अगर ये बात होती तो हम ले लेते हैं कुरान मजीद को, असल तो हमारा कुरान मजीद है, ठीक है ना, फिर इसके बाद हमारी हदीस की किताबें आ जाती हैं। आप कुरान मजीद को देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया है कि जिसने ना हक एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो ये पूरी इंसानियत में दूसरे मजाहे वाले आते हैं या नहीं आते? तो ये एक बात की है कुरान मजीद की, दर्जनों मिसालें कुरान मजीद के अंदर ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर कुरान मजीद जो है वो पूरी इंसानियत की हिदायत की बात भी करता है, और पूरी इंसानियत जितनी अकवाम आलम है ये कुरान मजीद उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करता है। हाँ, क्योंकि सब का मालिक खालिक अल्लाह है, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पकड़ तो फरमाता है, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा कुरान ऐसा नहीं है कि वो नफरत फैलाता है। कुरान मजीद अमन का दर्स देता है, और वो जो कुरान को नहीं मानता उसके बारे में भी ये कहता है अगर तुमने इसको ना हक कत्ल किया तो ये उसका कत्ल नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है, और उसकी सजा भी बयान क्योंकि हमारे कुरान के। लेकिन क्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या कुरान में कई ऐसी आयतें इसमें नहीं है कि काफिरों को मार दो, उनको काट दो, पत्थर और पेड़ भी बोलेंगे कि मेरे पीछे यहूद छिपा है? क्या बोलते हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप लोग। कितनों के गले काटे गए हैं सरतन से जुदा, हमारे भारत में कितने लोगों के सरतन से जुदा किए गए हैं भाई? कन्हैयालाल को हम भूल जाएं, पूरी दुनिया में कितने किए गए हैं भाई? कौन करता है, किस मजहब के नाम पर किया जाता है? ये इस्लाम के नाम पर किया जाता है। तो क्या आप डिनाउंस करते हैं उसे? क्या आप उसको कहते हैं कि वो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं? क्या आप वो कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं? पब्लिकली कहना पड़ेगा ना, उनका विरोध करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कहते हैं तो इट मीन्स कि आप मानते हैं, और सारे लोग कुरान का ही हवाला देके कहते हैं। भाई वो जो ब्लास्फेमी के नाम पर मारा गया बेचारा अभी कहां स्वात में, किस चीज के लिए मारा गया वो बता दीजिए मुझे? लिंचिंग कर दी गई उसकी, जला दिया गया, किस चीज के लिए? क्या वो साबित हुआ? आपके यहां कानून बनाया ना भाई ब्लास्फेमी के लिए, आपको अपने देश के कानून पर भरोसा क्यों नहीं? पुलिस उसको ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी थी, उसके ऊपर केस चलता, बड़ा शांति प्रिय मजहब है जी आपका, कि पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है उस बंदे को, उस पर केस चलाएगी, और आप लोग जाते हैं पुलिस वालों को भी मार के भगाते हैं और उसको खींचते हैं, मारते हैं, जला देते हैं। कोई बाहर वाला सुनेगा जो दूसरे धर्म से रिलेटेड है, उसकी उसका क्या रिएक्शन होगा? जरा फील कीजिए इस बात को। और आप कहते हैं शांति का मजहब, क्या इससे ये फील होगा लोगों को? अरे बड़ा शांति का मजहब यार, देखो यार बहुत शांति यार, बहुत ही यौन पसंद। या आपको सोचना है कि आपके एक्शंस क्या ये बात को साबित करते हैं कि वो शांति प्रिय हैं? नहीं करते। अब पूरी दुनिया में इससे प्रॉब्लम हो रही है। कुरान के अंदर यह कि आप किसी के मजहब को गलत ना बोले, कि हो सकता है कि वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को। अब ये वो कुरान मजीद में जो है ना, अब देखिए क्या हुआ, किसी को गलत मत बोलो, हो सकता है इसका तुम्हारे सच्चे खुदाओं को, मतलब आप कह रहे हैं कि सामने वाले झूठे हैं, सिर्फ हमारा वाला सच्चा है। अब सेम चीज मैं पलट देता हूं, अब दूसरा कहे कि आपका खुदा झूठा है हमारा सच्चा है, कैसा फील करेंगे आप? अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो आपकी बात हमें भी बुरी लगती है।
और अगर आप ऐसा कहते रहेंगे तो सामने वाले भी कहेंगे। 12:7 के एंड पर आयत मुबारका है, ठीक है ना, उसका मफहूम ये बनता है कि तुम जो है ना झूठे, जो जिन लोगों ने झूठे खुदा बनाए हुए हैं, अगर तुम उनको गालियां निकालोगे फिर उसके बदले में वो अल्लाह को गालियां निकालेंगे। तो गालियां निकालना किसी मजहब में भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। गलत जुबान का इस्तेमाल ये अखलाकी तौर पर भी, अच्छे अखलाक ये फकत, लेकिन सामने वाले को आपने फौरन अभी झूठा करार दिया, वो सही जबान है। सामने वाले इस्लाम को छोड़कर सामने वाले सभी मजहब को आपने झूठा करार दिया, ये सही बात है। वाह, सबसे पहली इंसल्ट तो आपने दूसरे रिलीजन की फौरन कर दी और आपको आइडिया भी नहीं कि आपने कर दी, कि आप जानबूझकर कर रहे हैं। हमारा सच्चा तुम्हारा झूठा, सोचिए कभी, ठंडे दिमाग से सोचिए इस पर और इसको पलट कर सोचिए। खुद को उस बंदे की जगह रख के देखिए और उसको अपनी जगह पर रख के देखिए जो ये बात इन्होंने बोली, तब आप उस फीलिंग का एहसास कर पाएंगे जो है ना वो हमारा दीन नहीं। अच्छे अखलाक तो सबका जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं और उनके अखलाक आप देख लें, अच्छी जुबान का इस्तेमाल, इसको अकल भी मानता है और हर मजहब वाला मानता है। तो लिहाजा किसी को गलत ना कहने का ये मतलब नहीं भी, जो झूठ बोले उसको आप ये ना कहें भी ये झूठा है, अब उसको तो कहना पड़ेगा, ये सलाह तो करनी पड़ेगी ना। अब कोई चोरी करता है, जब हम कहें कि जी आप चोर हैं, वो कहे जी ये बद अखलाक है, नहीं, उसको चोर कहना पड़ेगा। जो सच्चा है उसको कहो, उसकी तारीफ करो कि ये सच्चा है। तो मुआशरे के अंदर गलत सही का फर्क तो करना पड़ेगा। अगर इसको कहे नहीं जी ये गाली है तो फिर ये गाली नहीं है, ये जिहालत और लाइल्मी है। तो जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा, जो ठीक है दुरुस्त है उसको दुरुस्त कहना पड़ेगा, रात को रात कहना पड़ेगा, दिन को दिन कहना पड़ेगा। जब हक को आप हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे, तो फिर ही मुआशरे तरक्की पा सकते हैं। अब इस चीज को भी अगर आप बद अखलाकी का नाम देंगे तो फिर हम इसको जिहालत कहेंगे और क्या कह सकते हैं। अच्छा फारिस साहब, तो ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि सामने वाले का भगवान या खुदा झूठा है आपका सच्चा है? आप कौन हैं और कोई क्यों मान ले ये बात? क्या सामने वाला भी अगर यही बात कहता है तो आप मानेंगे? बताइए, आप मानेंगे? अच्छा फारिस साहब, मैं दो सवाल सिर्फ पूछूंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। आखिर जो इस्लामोफोबिया या इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे कौन सी ऐसी कुवतें और क्या मिलेगा इनको इस्लाम को बदनाम करके? जैसे ये इस्लाम के खिलाफ जो कुवतें हैं ये आज से काम नहीं कर रही, ठीक है ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और इस दीन को अल्लाह की तरफ ला कर ऐलान फरमाया और दीन की तबलीग और नशर व इशात की, तो उसी वक्त से इस दीन की मुखालफत शुरू हो गई थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा में तशरीफ़ लाए, तो चूंकि यहाँ यहूदी लोग रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पर यहूदियत इस्लाम के खिलाफ खड़ी हुई। तो ये पीछे अगर हम जाते हैं तारीख की तरफ तो ये 1400 साल हो गए हैं पीछे, ये यहूदियत इस्लाम के खिलाफ जो कुव्वतें हैं उसकी बुनियाद ये यहूदियत है। पहले मुशरिक भी थे, लेकिन ये फिर यहूदियत और ईसाइत, ये वो लोग हैं जो इस्लाम को बर्दाश्त नहीं करते और ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपागंडा आज से नहीं, ये शुरू से करते चले आ रहे हैं। और इस बात पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन बातों को खोल कर बयान फरमाया है। तो यानी ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है और कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है और कुरान मजीद ने चैलेंज किया हुआ है 1400 साल कि अगर ये झूठा हो, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम ना हो और इसकी बातें सच्ची ना हो तो तुम इस जैसी एक सूरत ही बना कर ले आओ। लेकिन आज तक कोई इस चैलेंज को ना कबूल किया किसी ने, अगर कबूल किया भी है तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। तो ये अल्लाह ने अपनी आसमानी किताब कुरान मजीद में फरमाया है कि इस्लाम के दुश्मन कौन है, हम तो वो अल्लाह की बयान करता बात बयान कर रहे हैं, वरना हमें इस तरह तो कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। हमारे पास कुरान और फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आप मानते हैं कि पूरी दुनिया आपके अल्लाह ने बनाई है, आप यही कहते हो ना, तो फिर उसने ही यहूदी बनाया है, उसने ही सबको बनाया है, तो फिर अगर उसे यहूदियों से चिढ़ है तो वो खुद ही यहूदियों को खत्म क्यों नहीं कर देता? बनाया तो उसी ने, खत्म कर दे यहूदियों को। एक मुट्ठी भर यहूदी उन्होंने अरबों मुसलमानों को परेशान कर रखा है, कैसे? मतलब लॉजिकल सवाल है ना मेरा, ये है कि नहीं? मतलब ज्ञानी लोग बताएंगे मुझे।
तो इस्लाम के खिलाफ जो दुश्मन कुवतें हैं वो कौन सी हैं, इसको कुरान मजीद ने अल्लाह ने वाज़े फरमाया है कि पहले अदवार के अंदर कई कौमें थीं जिसके अंदर मुशरिक। अच्छा, एक चीज़ और मुझे सवाल पूछना है। अभी इन्होंने बोला है कि पैगंबर मोहम्मद मदीना गए, वहां पर यहूदी रहते थे, यानी कि आप यहूदियों की जमीन पर गए और वहां अगर आपने फैलाया तो क्या वहां पर यहूदियों की जमीन को कब्जा करना नहीं कहेंगे क्या? सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग जो ज्ञानी होंगे उसका जवाब देंगे कि एक पूरा एरिया जो है वहां पर यहूदी रहते हैं और वहां पर कोई बाहर से बंदा आता है और फिर वो उस जगह पर कब्जा कर लेता है या उस जगह पर जो भी अपना धर्म फैलाता है, लोग करता है, जो भी कुछ भी करता है, तो वो क्या काबिज नहीं होता क्या उस पर? ये सवाल पूछ रहा हूं। थी जिसके अंदर मुशरिकीन थे, मुनाफिकीन थे, वो तो खत्म हो गए, लेकिन यहूदियत ये वो इस्लाम के खिलाफ। और अगर आप किसी की जमीन पर कब्जा करेंगे तो वो तो आपके खिलाफ जाएगा ना। आज भी अगर मेरी जमीन पर कोई आके बाहर का बंदा कब्जा करने लगे तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा क्या? छोड़ दूंगा उसको, चुपचाप बैठा रहूंगा। सवाल है, मतलब मेरी जमीन पर कोई कब्जा करना चाहेगा तो मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा और मैं उसके खिलाफ काम करूंगा, भाई जमीन मेरी है। सवाल है, ये वो कुव्वत है, ये शुरू से ही इस्लाम के खिलाफ चलती आ रही है और ये उसी सिलसिले की आज ये कड़ी है कि आज भी मुसलमानों को जकड़ने की कोशिश की जा रही है और मुल्क पाकिस्तान को भी जकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, हम यही कहेंगे उन्हें भी हिदायत अता फरमाए और हमें भी अपने दीन के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। जब बंदा दीन पे चलता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद भी फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये अजाब की सूरतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी दूर फरमा देता है। वाहिद रास्ता यही है कि हक पर चला जाए और हक की दावत दी जाए। अच्छा कर सब, लास्ट सवाल पूछ के इसको वाइंड अप करेंगे, क्या हमारे जो यहाँ पे मदरसे या वैसे हिंदुओं के बारे में क्या सोचा जाता है, मतलब क्या नफरत अंगेज मैसेज या वैसे एक, क्योंकि इंसानियत भी तो है। आप ये याद रखें, जो ईमान के खिलाफ जो कुफ्र है, इस ईमान के मुकाबले में आता है कुफ्र, तो कुफ्र को पसंद नहीं किया जाएगा ना, ये अल्लाह को पसंद है ना मोमिन को कुफ्र पसंद है। अल्लाह की नाफरमानी वो कुफ्र की सूरत में हो या मुनाफ़कत की सूरत के अंदर हो या बेहयाई की सूरत के अंदर हो, वो और ये काम करने वाले चाहे वो यहूदी हों या ईसाई हों या वो जी हिंदू हों या वो कोई हों, मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो बेहयाई का काम करते हैं तो अब उसके खिलाफ भी बात करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है भाई, ये नफरत अंगेज जो है ना इनके खिलाफ किया जाता है, चूंकि ये एक काफिर कौम है। अब काफिर कौम अपनी हद के अंदर रहे, उसको इस्लाम कहता है मत छेड़ो, लेकिन जब वो इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे और मुसलमानों पर जुल्म व सितम करेंगे तो हम अपने दिफा का हक रखते हैं, मैसेज के जरिए भी, जुबान के जरिए भी, कलम के जरिए भी और हथियार के जरिए भी हम अपना दिफा तो कर सकते हैं। तो यही काम तो दूसरे वाले भी करते हैं कि आप अगर उनके हदूद में घुसोगे तो वो कलम के जरिए भी, हाथ के जरिए भी, बात के जरिए भी, तलवार के जरिए भी, हथियार के जरिए भी, वो भी यही करते हैं। तो आप कहते हैं कि जी मुसलमान को जुल्म हो रहा है। मेरा पॉइंट समझिए लॉजिकली, इस पे मुझे लगता है कि बीपी हाई मत करिएगा, समझिए इस बात को। आप कहते हो वो कुफ्र है, मैं कहता हूं आप कुफ्र हो। अब इसका फैसला कौन करेगा कि सच्चा कौन है झूठा कौन है? मैं कहूंगा कि मैं सच्चा हूं, आप कहोगे कि आप सच्चे हो। आप अपने को सच्चा मानते हो, मैं अपने को सच्चा मानता हूं, लेकिन हम दोनों में से कौन सच्चा है ये तय कौन करेगा? ये आप नहीं कर सकते, या आप झूठे हो या आप सच्चे हो, जो भी है वो मैं नहीं तय कर सकता, है कि नहीं भाई? पॉइंट वाली बात है ना। तो ये दरअसल ये दिफाई सूरत को कहा जाता है, ये जो है ना जी फितना अंगेजी कर रहे हैं और ये जी इस तरह के मैसेज फैला रहे हैं। हम अपना दिफा कर रहे हैं, वरना ये देख लें कि हिंदू कौम ज्यादा कहाँ रहती है, हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर रहती है ना, वहां पर मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। ये कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा भी है और साथ साथ उनके साथ नस्ल दर नस्ल जुल्म सितम किया जा रहा है। तो अगर इसके खिलाफ जब हम बात करें और इसको ये रंग दे दिया जाए जी ये नफरत अंगेज मैसेज फैलाया जा रहा है, नहीं, ये तो हमारा दिफा है और ये इसकी इब्तिदा है, आगे इंतहा होगी कि हम अपने मुसलमान भाइयों का मुकम्मल जब दिफा करेंगे हर लिहाज से और हर पेज पर तो फिर होगा। तो इस तरह इसको ये रंग दे देना कि ये नफरत फैला जाए, ये नफरत नहीं है, ये हमारा हक है दिफा करना, वो किसी तरीके से भी हो सकता है। उम्मे मुस्लिम, चलिए छोड़िए बात खत्म करते हैं। मतलब पाकिस्तान में जो हिंदू हैं अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उनके दिफा में जाना चाहिए, हमें पाकिस्तान में ना, है ना, जाना चाहिए और आपसे लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके ही फॉर्मूले को लागू कर रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान को वैसे तो अकल है नहीं, भारत के मुसलमान बेअकल हैं, आपको ही सारी बातें समझ में आती हैं, भारत के मुसलमानों को तो समझ में नहीं आती। आपका पूरा देश में जितने आपके देश में मुसलमान हैं उतने तो हमारे भी हैं, हमारे देश में, तो वो तो बेचारे
बेकार है, दिमाग से पैदल है, उनको बात समझ में आती नहीं है। 76 साल हो गए आपके बहकाव में आए नहीं है, लेकिन आपको लगता है जुल्म हो रहा है। चलिए जी, मुझे भी लगता है कि जुल्म हो रहा है। अब जुल्म हो रहा है, बताइए एक इस्लामिक देश में शिया मुसलमानों पर क्या हो रहा है आपके यहां? कितने मस्जिदों में ब्लास्ट करके हमने मुसलमानों को मारा है यहां पर? आपके यहां तो आए दिन मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं और शिया मुसलमानों को मारा जाता है। क्या शिया मुसलमान नहीं है? आप तो कहते हैं शिया काफिर, जो सुन्नी है वो कहते हैं शिया काफिर। अब बताएं इसका कोई जवाब है? लेकिन भारत में तो कोई मस्जिद में किसी को नहीं उड़ाया गया आज तक, मतलब हाल फिलहाल 15-20 साल में। आपके यहां तो उड़ाए जाते हैं। अहमदिया बेचारों, उनको तो आपने मुसलमान ही नहीं मानना है। आपने आपने तय किया है कि वो मुसलमान नहीं, आपने अपने संविधान में बना दिया कानून वो मुसलमान नहीं। मतलब जो आपके हिसाब से ना चले, आपके पास चूंकि आप मेजोरिटी में है, सुन्नी है, आप मेजोरिटी में है, आप पावर में है, तो अपने हिसाब से कानून बना दो, इसको मुसलमान से, इस्लाम से बाहर किया जाता है। बाहर जी, अच्छा जी, तो कल को अगर शिया कहीं पे पावर में है, जैसे मान लीजिए ईरान में है, और वहां पर वो सुन्नी मुसलमानों को कहें कि नहीं अब ये हम इनको काफिर कहते हैं और ये काफिर हैं और ये इस्लाम से इनको खारिज किया जाए, ये तय कौन करेगा कि कौन इस्लाम असली है, कौन इस्लाम में नकली है, कौन काफिर है और कौन असली मुसलमान है? आप बताओ, इतने फिरके हैं आपके यहां, सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? और मुताला है पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है? मुताला है पाकिस्तान में, उसके भी क्लिप सुनवा देता हूँ, बीबीसी की क्लिप है, सुनिए। मेरे पास मुताला है पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो मुआशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बदले के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं के सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था, औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी के इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये, हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल। अब इसके बाद भी अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोग नफरत नहीं पढ़ाते हैं या नहीं बताते हैं, सुनकर हंसी ही आएगी। हमारी एक किताब में या अंग्रेजों की गुरु की एक किताब में जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें ये ऐसी भाषा जो आपके स्कूल की किताब में पढ़ाई जाती है वैसी भाषा दिखा दीजिए, आप मान जाओ। आप लोगों को अभी बातें समझ में नहीं आ रही, जो ग्लोबली चीजें हो रही है ना, जो मुसलमानों के साथ होने वाली हैं या हो रही हैं, उसकी वजह भी आप ही लोग हैं, आप लोगों की सोच है। ब्रॉड करिए सोच को, साथ साथ रहने, साथ साथ डेवलप होने, इस पर काम कीजिए। इस तरह की सोच होगी तो गड़बड़ी होगी, और जब तक आप कहेंगे कि सामने वाला तू झूठा, तो सामने वाला भी उठकर कह देगा तू झूठा। तो आपके पास हक नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का, आप डिफेंड करेंगे तो वो भी डिफेंड करेगा, हाँ भाई मैं भी सच्चा हूं। सोचिए कभी इस बार, कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के बाद। नमस्ते, जय हिंद जी। तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था एक पाकिस्तानी मौलाना जो मदरसा टीचर है, और वो उसे पूछा जा रहा था कि दूसरे मजाहिब के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग है, क्या राय रखता है। तो जो इस्लाम है और इस्लाम की जो तालीम है उसका सही जो बताने वाला है, नंबर है नहीं अजय का यार।
जी तो व्यूअर्स, वीडियो आपने देखा, वीडियो था इस हमारे जो मौलाना हैं, जो हमारे मदरसाज हैं, वो दूसरे मजाहब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नफ़रत फैलाते हैं, क्या नफ़रत की तालीम देते हैं, क्या ऐसा है, क्या वैसा है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत हैं, उनको गलत को गलत कहना चाहिए, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं और अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। देखिए, एक बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे मजाहब हैं, अब इस्लाम ही एक वाहिद मजहब नहीं है। आज के टाइम पे भी देखें तो जो क्रिश्चियनिटी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ा मजहब है वो क्रिश्चियनिटी है। अब हम उनको झूठा कहें और खुद को सच्चा कहें, हाँ हम जिस पर बिलीव करते हैं, ये एक बात बड़ी फिका की है। और अपने बिलीव को तुम कहाँ पे बिलीव कर रहे हो, किस रास्ते पे चल रहे हो, तुम उसी पर रहो और हक और सच का साथ दो, यानी कि मुआशरे में जो है वो इंसाफ बरतो। अब इंसाफ क्या है हमारा, कि दूसरों को गलत कहें, दूसरों को झूठा कहें, दूसरों को मुशरिक कहें, दूसरों को, हाँ जहाँ पे तजाद होता है, जहाँ पे तुम्हें अगर बुरा कहा जाता है तो तुम अगर पलट के उसको जवाब देते हो तो फिर तो हक बनता है, ये पूरी दुनिया का कानून है कि तुम उन्हें जवाब दे दो, लेकिन खुद से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और हर किसी के लिए उसका दीन उतना ही मोहतरम है, जैसे लोग भाई ने भी कहा कि दूसरे की तरफ जगह पर खुद को रख के सोचो कि अगर तुम उसको झूठा कर रहे हो तो वो तुम्हारे को झूठा कहेगा, तो तुम्हें अगर वो पहले तुम्हारे को झूठा कर दे। और एक बंदा है जिससे मेरी बड़ी यहाँ पे बहस भी होती है, क्योंकि उसको कीड़े निकालने, उसे और कोई मकसद नहीं है, तो वो बड़े मैसेज करता है मुझे कि इस्लाम में ये है, कुरान में ये है, हदीस में ये है, तुमने अपना ही दीन बनाया हुआ ये वो। बिल्कुल भी अपना दीन नहीं बनाया हुआ, अपनी अपनी सोच है और उसी अपनी अपनी अकल है और उसके मुताबिक ही लोग चलते हैं। देखिए, कुरान में अगर एक इंसानियत का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल कहा गया है तो मैं इसको मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है, करी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जब लोग उसको ये काफरों वाली आयतें निकालते हैं और काफरों को कत्ल कर दो, मार दो, कई सारी अहादीस जो के जाली है और उनको लाकर यहाँ पे पेश किया जाता है, और एक किसी जिसका पास, मेरे पास भी जवाब नहीं है कि ये 99 दहशतगर्द जो जमाते हैं वो मुसलमानों की ही तरफ से क्यों है, क्यों ये जो लश्कर तैयबा, क्यों ये जो अलकायदा, क्यों ये जो तालिबान है। अब देखिए, तालिबान है, इधर भी कलमा पढ़ने वाला है तो उधर ही कलमा पढ़ने वाला है, ये आते हैं ठा मार के तो वो नारे लगाते हुए निकल जाते हैं, तो ये कौन सा, ये बिल्कुल भी दीन नहीं है, बिल्कुल खुलेआम कहना चाहिए। और हमारे जो मुफ्तियाने कराम हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो खुलकर कहते हैं कि भाई इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम से निकाले हुए, खुलेआम कहते हैं, कोई छुप छुपा कर नहीं कहते या उनकी वो हमायत नहीं करते। हाँ, जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान ने कुछ दिनों तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुजाहमत की, जो उस वक्त की उनकी हुकूमत थी, चाहे उनको तालिबान कहें या कुछ भी कहें, एक हुकूमत थी अफगानिस्तान। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैं देखता हूँ कि अखबार का दौर था, अखबार ही आती थी, अखबार में पढ़ते हैं कि शमाली इतिहाद नामी एक वहाँ पर ग्रुप है और वो नमाजें पढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर उनको मार रहा है। अब क्या इसको कहें, वतन से गद्दारी कहें, वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, ये फलाना भी है, ये ढिमका भी है, लेकिन चीजें ये हैं कि जो गलत है गलत को गलत कहें, जो सही है सही को सही कहें, कौन क्या है उस पर ना बात करें, अपना देखो। मैं अगर मुस्लिम हूं तो मुझे मुस्लिम का देखना चाहिए, तुम अगर हिंदू क्रिश्चियनिटी सिख ईसाई तुम उसको देखो, लेकिन अगर हमारा आपसी अगर कोई रिलेशन है तो वो है इंसानियत, और एज ए इंसानियत हमें एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, चाहे मैं मुसलमान हूँ और चाहे तुम सिख हिंदू ईसाई हो, यही सबसे बेहतरीन रिलेशन है और इसी की ही तालीम दी गई है। लेकिन ये हमने खुद से चीज़ें बनाई हुई हैं कई सारी, जिसको हम लेकर आज चल रहे हैं। अगर कोई दहशतगर्द तंजीम है तो वो भी आयतों का ही इस्तेमाल करते हुए लोगों के ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, तो आज पूरी दुनिया खुलकर कहती है कि ये गलत है और गलत बच्चों को तालीम देकर वरगलाते हैं और ये खुदकश हमलों पर उकसाते हैं पूरी दुनिया, ये नहीं है कि एक जगह पर। अब देखें, एक टाइम था इन्हीं यहूदियों के साथ कत्लो गारत किया जाता था, इन्हीं को ही मारा जाता था, यही कौम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा जिन पर तंगी रही, लेकिन आज वही यहूदी हैं अगर मुसलमानों को मार रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये मुसलमानों को ही नेस्त-ओ-नेबूद करने के चक्कर में हैं। लेकिन फर्क ये है कि अपने अपने मसाइल हैं, अपनी अपनी दुश्मनियाँ हैं एक दूसरे के साथ, जो कि हम इंसानों ने पाल रखी हैं, ये हमें ना भगवान ना खुदा ना ईश्वर कोई इस चीज़ का हुक्म नहीं देता, ये
सब हम अपनी पहचान के दायरे बनाए हुए हैं। और मेरा बिलीव यही है कि किसी को इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगी, किसी को नफरत दोगे तो तुम्हें बदले में नफरत ही मिलेगी। मौलाना कुछ कहे, पादरी कुछ कहे, वो उनका जो सन्यासी है वो कुछ कहे, इन सब चीजों को छोड़कर ये है कि आपने जो दूसरे मजाहिब की इज्जत करनी है तो ही आपको इज्जत मिलनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके मजहब की इज्जत हो, आप अपने अमल और किरदार से दूसरे के दिमाग में ये डाल सकते हैं कि ये लोग अच्छे हैं। जैसे आज हम सनातन के लोगों की इज्जत करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं उनकी, बावजूद इसके कि हम मुस्लिम हैं और वो दूसरे मजहब के मानने वाले एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। मजहब को एक साइड पे रखें, पर्सनली रखें। जो पर्सनल है, मेरा बिलीव है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे कुरान पढ़ना है, और मुझे कुरान हुक्म देता है कि तुम सच बोलो और उसको ही बनो, झूठ से बिल्कुल बचो, और आस पड़ोस का अपने ख्याल रखो, जो भी गरीब हैं उनकी मदद करो, जो भी लाख नाचार हैं उनकी हेल्प करो, किसी पर बिला वजह तोहमत ना लगाओ, और बहुत सारी और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ही आगे लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, देखिए कि दुनिया में जितने भी मजहब हैं, कोई भी मजहब इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि आप जो है दूसरे मजहब को बुरा भला कहो। कोई भी मजहब, यानी मुसलमान है या सनातनी है या क्रिश्चियन है, कोई भी मजहब है, वो अमन का पैगाम देता है, वो अमन का ही दर्श देता है, वो ये चीज़ नहीं सिखाता कि आप दूसरे के मजहब को जो है वो बुरा कहें। देखें हमारी किताब है कुरान मजीद है, उसके अंदर अल्लाह पाक ने जो है वो यही फरमाया है कि आप दूसरे के मजहब को जो है बुरा भला नहीं कहना, आपने दूसरे के मजहब के खिलाफ कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। ये वादे हमें जो है वो बताया गया, लेकिन हम खुद हमारे जो उलमा कराम है, हमारे जो मुफ्तियान कराम है, वो ये चीज को जो है वो भूल चुके हैं। वो क्या करते हैं कि वो सही अहदीस को, सही आयत के तर्जमे को जो है वो गलत मौके पे इस्तेमाल करके लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों को जो है बरगलाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, आपको अमन का ही पैगाम देने। देखें सबसे पहले आपको चाहिए कि आप इंसानियत को प्रमोट करें। जब आप इंसानियत को प्रमोट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है आप जो है दूसरे के मजाक पे कभी भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। जब भी आप इंसानियत को प्रमोट करेंगे तो हमारा कोई भी मजहब यही सिखाता है कि सबसे पहले इंसान पैदा होता है। मजहब को हम बाद में इख्तियार करते हैं, जिस मजहब में भी हम होते हैं, तो सबसे पहले हम इंसान पैदा होते हैं, तो हमें इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि आगे वाला जो है उसका मजहब क्या है। ये नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि वो आगे वाला भी इंसान ही है, जिसने हमें पैदा किया उसी ने उसको भी पैदा किया है। मजहब का जवाब दे हमने खुद हमारी जात ने होना, दूसरे ने हमारे मजहब का जो है जवाब दे नहीं होना, लेकिन इंसानियत का जवाब दे जो है वो सबने होना है कि आपने इंसानियत, इंसानों के हकूक जो है जो आप पे फर्ज थे वो आपने पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। बिल्कुल जी, आप देखिए कि मजहब जितने भी हैं बिल्कुल वो सारे के सारे अमन का दर्श देते हैं, और कोई उस पर अमल करता है नहीं करता है। आप देखिए क्रिश्चियनिटी है, उसमें भी यही कहा गया है कि एक खुदा है, एक गॉड है, कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म में भी आ जाएं तो उसमें भी एक ही गॉड है, बाकी उनके अवतार हैं, और आप अवतार जो है ना आप उसको ले लेते हैं, हम कहते हैं उसके अंबिया हैं, उसके बनाए हुए बंदे हैं, आप उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, वो अब आपके मजहब में है, वो आप क्या करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे मजहब में एक ही खुदा है और उसी ने ये दुनिया बनाई है और उसी ने ये सारा कोई सिस्टम चला रहा है। और लोग साहब ने ये पूछा कि भाई वहाँ पे यहूदी रहते थे, वहाँ पे कब्जा कर लिया गया, तो इन चीज़ों के ऊपर बहस करने के लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसको ऊपर बहस करना चाहेंगे तो ये एक और डिबेट है। यहाँ पे बात हो रही है हक और ना हक की। आप इंसानियत के लिए जहाँ पे देखिए हर मजहब के अंदर अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, तो आप अगर एक चंद बुरे लोगों को लेकर आप पूरे मजहब को बुरा कहना शुरू कर दें तो ये ठीक अच्छी बात नहीं है। अब आप कहें कि भाई सारी तंजीमें जो है ना 99% जो है ना वहाँ पे दहशत गर्दों का ताल्लुक मुसलमानों से ही है, तो चीजें यही है कि इंसान जो है उसकी कमजोरी है पैसा, और उसकी कमजोरी होती है और बहुत सारी कमजोरियां होती हैं जिसकी वजह से वो बिक जाते हैं और मुसलमान बिक जाते हैं। और एक और भी चीज है कि लोग जो अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुसलमानियत को ही अच्छा दिखाना चाहता हूँ, दूसरे को मैं कहना चाहूँ उसके मुंह पे कहता हूँ कि गलत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सनातन और हिंदुइज्म को इतना बढ़ा चढ़ाकर और वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा दीन गलत है और हमारा अच्छा है, तो भाई तू अपना देख,
मुझे अपना देखने दे, जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक, जब तक ये मौलवी मौलाना अपना नहीं देखेंगे, दूसरे पे तनकीद करना नहीं छोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है इस्लाम के बारे में गलत बातें होती ही रहेंगी। ये चीज है, इस चीज को लाना पड़ेगा कि आपको जो अपना दीन है उस पर देखें, जो दूसरे का दीन है, जो आपके दीन में खामियां हैं। अब देखिए ये जो लॉ बन रहे हैं 3 तलाक के, जो UCC लाया जा रहा है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं, जो कि आज के दौर के हिसाब से जो औरतों को हकूक देना है, बहुत अच्छी चीज है, ये करना चाहिए। अगर इसको हम कह दें कि ये दीन के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, तो ये चीजें, तो चीज ये देखिए कि यहाँ पे आगे हमने दीन पे अमल करना छोड़ दिया है। अगर हम जो है ना कुरान पाक में सारा मुकम्मल जो है ना इसके ऊपर बताया गया डाटा और जितना तहफ्फुज़ जो है ना औरतों को इस्लाम में दिया जाता है, अब हम उस पर अमल नहीं कर रहे, वो अलग चीज है। लेकिन जहाँ पे देखिए आपसे 1400 साल पहले देख लीजिए औरत का क्या हाल था और आज क्या हाल है, उसके उसको क्या किया जाता था और आज क्या इज्जत दे रही है। बिल्कुल आज अगर वो औरत की इज्जत के लिए बात कर रहे हैं उस दूसरे मजहब के अलग होने के बावजूद भी, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई हमने, हमारे अंदर नहलियां आ चुकी थी, हमने उस पर अमल करना छोड़ दिया था। तो ये तो हमारे मजहब में भी लिखा हुआ यही चीज है कि जितना हम मजहब से दूर होते जाते हैं उतने हमारे जो है ना मुआशरे में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीजें हैं, जब हम मजहब को पढ़ेंगे, आप कुरान पाक को पढ़िए, हदीस पाक को पढ़िए, उसके तर्जमे को पढ़िए कि कहा क्या जा रहा है, उसको समझिए उसका मफहूम क्या है। अब चीज ये है कि ये मत देखिए कि फलां बंदा है उसने इस आयत को फलां जगह पे कोट करके जो है ना दूसरों पे हमला करवा दिया, लेकिन ये आयत हुई किस वजह से, उसका मफहूम क्या है, जब हम उसको समझेंगे नहीं। बिल्कुल तो जी, ये एक मुसलमान समझ सकता है और बाकी जो आपका धर्म है मैं उसके बारे में नहीं जानता, मैं खाम खा ही उसका जो एक लाइन है उसको पढ़ू और मैं बताता फिर कि ये देखो जी इसका तो मतलब ये लोग गंदे हैं, ये कुछ ऐसे हैं, ये कुछ वैसे हैं। और बहुत सारी आयतें जब वो जंगे हुई थी नबी पाक की उस वक्त के हिसाब से उतरी हुई हैं और उन वक्त उस वक्त तक हुक्म नहीं हुआ था जब तक आप पर जमीन तंग नहीं कर दी गई थी, बल्कि आपके सहाबा जो थे वो इस बात को लेकर नाला थे कि हमें जंग क्यों नहीं, हमें मर जाना चाहिए जितनी हमारे यहाँ पे मक्का के ऊपर देख लीजिए जब बिस्ती हो रही है या एक तरह से हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। तो ये चीजों को हम जानते हैं और ये हम ही के लिए रहने दें, जो चीजें आप जानते हैं उनको आप अपने के लिए रहने दीजिए। और यही है कि अगर आप मेरी इज्जत करना चाहते हैं तो मुझे भी आपकी इज्जत करनी पड़ेगी, आपकी भी और आपके मजहब की भी, इसी तरह आपको मेरी भी और मेरे मजहब की इज्जत करनी पड़ेगी, फिर ही ये जो इंसानियत और इंसानियत का मराग लाते हैं इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, वरना नहीं। बिल्कुल यही बात है कि देखिए यही तो हमारी खामियां हैं इंसानियत की, सब इंसानों की, जितने भी मजहब हैं, कि हम दूसरे मजहब की नेगेटिव चीज के ऊपर जो है ना सर्च कर रहे होते हैं, पॉजिटिव चीज को हम नहीं देख रहे होते कि उसके पीछे पॉजिटिविटी क्या है। अब यही चीज है कि जब हम पॉजिटिव अपने मजहब का पॉजिटिव देखना शुरू कर देंगे, उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा क्या हक है और क्या ना हक है। चले जी, बहुत ही अच्छा वीडियो था, अच्छा लगा होगा और मुझे पता है कई खुन्नस वालों को अच्छा नहीं भी लगा होगा। तो जिसको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए